आप में से कितने लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि इंटरव्यूज दे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, या अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं? इंटरव्यू जॉब के नाम पर ज्यादा देना जो हुक्म मेरे आता तो अब आ रहा है आपके पास में जॉब का एग्जांपल। अब इसमें देखो, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई उसी को जॉब के एग्जांपल में रिलेट करो। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है नेगेटिव थिंकिंग। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और पहले ही क्या सोच रहे हो अपने माइंड के अंदर कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैं चार बार गया इंटरव्यू देने के लिए तब भी मेरा नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, मेरी तो शक्ल देख करके मुझे अंदर नहीं घुसने देते, पहले ही बाहर निकाल देते हैं, चार चार घंटे वेट कराते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं दिमाग में। ये हो गया एक एक्सट्रीम, मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग। ये तो भाई आपको ख़त्म करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये आपको अंदर से खोखला कर देगी। दूसरी एक्सट्रीम जिसको लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, जो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो क्या है? अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग। कि मैं जा रहा हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए, चार बुक्स पढ़ी, मोटिवेट हो गए, मेरे सेशंस देखे, एकदम से मोटिवेट हो गए, एनर्जी बढ़ गई, सेशंस में जो मैं बोल रहा हूँ उसकी गहराई तक नहीं गए, बस ऊपर ऊपर से सुन लिया, ऊपर ऊपर से सुन लिया। मैं कहता हूँ ना, चीज़ों को छोड़ो, चीज़ों को नहीं छोड़ो, चीज़ों को ही पकड़ लिया। मैं कहता हूँ काम को पकड़ो, काम को छोड़ दिया, काम नहीं किया उस इंटरव्यू के लिए, और किसको पकड़ा? रिजल्ट को पकड़ लिया, आउटकम को पकड़ लिया। क्या दिमाग में भर दिया कि मैं जा रहा हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए और ये जॉब हर हालत में मुझे मिलेगी ही मिलेगी, है ना? एटीट्यूड कॉन्फिडेंस है ना, पूरा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा अगर कोई बंदा मुझे आकर के मिलेगा ना, मैं उससे पूछूंगा क्यों भाई, तुझे क्यों मिलेगी? बाकी के जो 100 लोग आ रहे हैं वहां पे, वो क्या टाइम पास के लिए आ रहे हैं? वो दूसरे ग्रह के हैं, वो पांचवी फेल है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास डिप्लोमा नहीं है, उन्हें जॉब नहीं चाहिए, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, तुझे ही क्यों मिलनी चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो बेवकूफ़ हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनके पैसे नहीं लग रहे बस की टिकट के वहाँ तक आने के लिए, उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये क्या है? अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, जो लोगों को ख़त्म कर देता है, अंदर से खोखला बना देता है। किस तरीके से? देखो कितना सिंपल है इसको समझना। अगर आप अपने दिमाग में बोलते जाओगे कि नौकरी मुझे मिलेगी 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 मिलेगी, तो क्या होगा? टेम्पररी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा भाई, बहुत बढ़ जाएगा, और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अंडर कॉन्फिडेंस खराब है, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खराब है। किस तरीके से? आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको विश्वास होने लग जाएगा कि यार ये तो नौकरी मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और जैसे ही आपको बिलीफ हुआ, जैसे ही आपके अंदर से आया कि मुझे नौकरी मिलेगी या मिलने ही वाली है या मिलनी ही मिलनी है, तो क्या होगा? उसके बेस पे ऑटोमेटिकली सपनों का महल खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये कंपनी है, कितनी बढ़िया कंपनी है, देखो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जा करके ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जा करके अपनी एक बाइक खरीदूँगा, उस पैसे से मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, प्लानिंग होना शुरू हो जाएगी। होता है ऐसा? दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और ये सेकंड्स में चलता है। मतलब ये सब चीज़ें मेरे को बोलने में 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। जैसे ही आपका ध्यान काम से हट करके आउटकम की तरफ गया, एक्सपेक्टेशंस का पूरा महल खड़ा हो गया। वो होना ही होना है, और उस महल के साथ में क्या खड़ा होएगा? उसके साथ साथ ही ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, डर कि अगर ये महल टूट गया तो क्या होगा, आना ही आना है, कि अगर नहीं मिली तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मम्मी का ऑपरेशन भी कराना है, हाँ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, पापा का बिजनेस भी फेल हो गया है, ऐसी चीज जिसका जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है। सोचो, समझने की कोशिश करना जो चीज मैं बोलने वाला हूं। ये क्या है? ये सब ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं है, घर खर्च के लिए भी पैसा नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए भाई, बिना नौकरी के शादी भी नहीं होगी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया में, सबकी जॉब लग गई मेरी नहीं लगी, मेरी अकेले की किस्मत खराब है, मुझे चाहिए। अब देखो रियलिटी में और इमेजिनेशन में कितना फर्क है। रियलिटी क्या है? कि वो बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने वाली है, उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है।
कि आप जियो या मरो, आपके पास में खाने के लिए पैसे है या नहीं है, उसको इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भीख थोड़ी दे रहा है, नौकरी दे रहा है भाई। तो उसको किस चीज से फर्क पड़ता है? उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि मेरा फायदा किस चीज में है, मेरी कंपनी का फायदा किस चीज में है, कि आपको रिक्रूट करके आपका कॉन्फिडेंस कैसा है कैसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्यों? क्योंकि अगर 100 चीजें देखी जाती हैं किसी को रिक्रूट करने से पहले, किसी भी ऐसे इंसान से पूछना जो HR डिपार्टमेंट में हो या किसी सीनियर पोजीशन पे हो जिसने कभी किसी के इंटरव्यूज लिए हो, तो आप समझ जाओगे जो चीज मैं बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस इज जस्ट वन ऑफ देम। कि अगर किसी इंसान के अंदर 20 क्वालिटीज देखी जाती हैं तो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक है, सब कुछ नहीं है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, स्किल्स ही नहीं है। स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड नहीं है। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको नौकरी ना मिले, मतलब कि वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में है ही नहीं। और इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है हमारे लिए, तब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा? एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट होगी जो अगेन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ ही खराब है, फाउंडेशन ही खराब है। तो करना क्या है? अपने फायदे से हट जाओ। आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। भूल जाओ अपनी नौकरी को, भूल जाओ अपने फायदे के बारे में, उस कंपनी के फायदे के बारे में सोचो। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अब आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो बाकी के 100 लोग नहीं कर रहे। बाकी के जो 100 लोग हैं वहां पर, वो भी नौकरी मांगने के लिए आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप नौकरी मांगने के लिए नहीं जा रहे, आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, उसकी वेबसाइट को स्टडी कर रहे हो, जो जॉब प्रोफाइल है आपकी जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है उसको स्टडी कर रहे हो, उसको समझ रहे हो कि किस तरह का रोल आपको देने की बात की जा रही है, और अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि उस जॉब प्रोफाइल में आप किस तरह से फिट हो सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि उस कंपनी का कुछ फायदा हो। ये सब चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब आपने रिसर्च ही कर ली और अपने माइंड में जाकर के बैठ गया तो आपकी आंखों के अंदर ये सब चीजें नजर आएंगी सामने वाले बंदे को। मतलब आप कहां गोल सेटिंग कर रहे हो, कहां काम कर रहे हो? वो काम जो अभी करना है। और जब आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, जब उस कमरे में एंटर करने वाले हो, तो आप क्या सोच रहे हो? देखो वहां पे जो बाकी के लोग हैं वो दो ही चीजें सोच सकते हैं, या तो ये डरे हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर कि पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, बकवास। जिसके अंदर पहले ही इतना डर आ गया उसके मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो गए। दूसरे होंगे जो बैठ करके सोच रहे होंगे हाँ मुझे ही मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, क्यों मिलेगी कोई वजह ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हो उस समय? आप वहां पर बैठ करके बड़े ठंडे दिमाग से ना ये सोच रहे हो कि नहीं मिली तो क्या होगा, ना ये सोच रहे हो कि मिल गई तो क्या होगा, बड़े आराम से अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो कि भाई मैं जितना रिसर्च कर सकता था इस कंपनी के बारे में वो मैंने करी, जितना रिसर्च कर सकता था इस जॉब प्रोफाइल के बारे में वो मैंने करी, जितना मैं एफर्ट डाल सकता था उतना मैंने डाला इस जॉब इंटरव्यू के लिए, अपना 100% लगाया, पूरी तैयारी के साथ आया, और अंदर जाकर के भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बोलने वाला हूं जो भी वो पूछने वाले हैं। उसके बाद में अगर मुझे नौकरी मिली तो अच्छा है, मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ जॉब इंटरव्यू में अपना 100% नहीं दूंगा भाई, जब ये जॉब मुझे मिलेगी ना अपने काम में भी अपनी जान लगा दूंगा, 100% दूंगा। और ये चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप वहां बैठे होंगे ना आपकी आंखों में दिख रही होंगी, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि नौकरी आपको मिलेगी या किसी और को मिलेगी। और दूसरी तरफ से आप क्या सोच रहे होगे? एक तरफ से तो ये हो गया कि अगर मिली, मिल गई तो भैया अच्छा है मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, और अगर नहीं मिली तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, इस बेचारी कंपनी का नुकसान हो गया। इनको पता ही नहीं है इन्होंने क्या खो दिया। भाई मैंने तो काम करना था इस कंपनी में, मैं काम करने के लिए ज्वाइन कर रहा था, धोखा देने के लिए नहीं। और जब ये ईमानदारी आपकी आंखों में दिखना शुरू हो गई तो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं मिलेगी जो किसी को भी मिल सकती है, आपको सिर्फ जॉब ही नहीं मिलेगी,
उस कंपनी में प्रमोशंस भी मिलती ही चली जाएगी भाई। फाउंडेशन स्ट्रांग है, नींव मजबूत है, आप हवाई महल खड़े नहीं कर रहे, आप सीधी सी बात कह रहे हो कि जॉब इंटरव्यू है, मुझे आज क्या करना है, कल क्या होगा छोड़ो, आज क्या करना है भाई, जॉब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू दिया, नौकरी मिली, बहुत बढ़िया है, मिल गई, अब थोड़ी देर तक खुश होना है, जितनी देर तक मन कर रहा है, पार्टी करनी है कर ली, इंजॉय करना है कर लिया, लड्डू खिलाने हैं खिला दिए, अब क्या करना है, अब बैठना नहीं है कि नौकरी मिल गई अब तो बस लाइफ सेट हो गई, जैसे बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड होता है। नहीं, जॉब मिल गई, दिस इज नॉट दी एंड, लाइफ तो भैया बॉलिंग करती चली जा रही है, अब मुझे अपना 100% लगाना है इस काम के अंदर। जब तक इस काम को मैं इस हद तक नहीं कर लेता, जिस हद तक कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता, जब तक इस काम को मैं इतने परफेक्शन के साथ नहीं कर लेता, इस काम में मैं एक्सीलेंस अचीव नहीं कर लेता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं भाई। तो प्रमोशन होनी ही होनी है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और किसी वजह से अगर आपको निकाल भी दिया उस कंपनी से तो आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आप एक पक्के खिलाड़ी होगे भाई। हाँ, आपको विश्वास होगा, और वो विश्वास अंधविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं मैं वो कर सकता हूं, वो विश्वास होगा क्योंकि आप उस काम के पक्के खिलाड़ी हो, चाहे वो सिंपल सी अकाउंटिंग की जॉब है। पकड़ो उस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, कि अगर आपका फोकस हमेशा काम पे रहा तो क्या होगा, आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन गए, वो कंपनी बंद भी हो गई, आप किसी दूसरी कंपनी में भी गए तो वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, आप जाकर के बोलोगे मुझे कोई सैलरी मत देना एक महीने के लिए, मेरा काम देखो, और अगर काम पसंद ना आए तो मुझे जाने के लिए बोलना, आप बोल ही नहीं सकते मुझे जाने के लिए, काम तो देखो मेरा। है इतनी ताकत बोलने की, है इतना कॉन्फिडेंस बोलने का, वो कहां से आएगा, वो हवाई कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा, वो किसी अंधविश्वास से नहीं आएगा, वो आएगा विश्वास से, जो बेस्ड होगा आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी एक्सीलेंस के ऊपर, आपके जुनून के ऊपर, आपके जज्बे के ऊपर, उस काम को करने का जुनून, उस काम को करने का जज्बा, उस काम को करने का परफेक्शन। अगर आप किसी भी छोटे से छोटे काम में एक्सीलेंस अचीव कर गए ना भाई, लोग तो ढूंढते हुए आएंगे आपके पास में, कोई जाने नहीं देगा आपको अपनी कंपनी से, कोई नहीं निकालेगा। मतलब अगर इस रास्ते पर आप चले तो सिर्फ आपको नौकरी मिलना सिक्योर नहीं है, आपकी पूरी लाइफ सिक्योर है।